कोई भी मजहब गलत बातें नहीं सिखाता, गलत तो इंसान होता है। या वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म। ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और फेस्टिवल सर्किट में भी काफ़ी जगह ऑल ओवर द ग्लोब फिल्म को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। कई जगह फिल्म के अवार्ड भी मिले हैं, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि फिल्म जल्दी से रिलीज़ हो और फिल्म सबके सामने आए और सब लोग फिल्म को देखें। अच्छे एक्टर, एक एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आप सीखते ही हैं बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे सीन्स में हम लोग इम्प्रोवाइज़ करते थे एंड द रिस्पॉन्सेज आई यूज़ टू गेट, तो वो कुछ मैजिक क्रिएट करता है सीन्स में एंड देन फाइनली इट रिफ्लेक्ट्स जब आप फिल्म का आउटपुट देखते हैं। तो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कुछ अच्छे भी हैं और कुछ स्केरी भी हैं। अच्छे हैं कि जिस तरीके से हमने शूट किया इंटीरियर्स में, बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पे, बहुत ही सपोर्ट मिला वहाँ जितने भी वहाँ के लोकल एक्टर्स थे और बाकी भी वहाँ का क्राउड जितना भी था, दे वर वेरी सपोर्टिव। जिस तरीके से उन्होंने हमें थ्रू आउट द फिल्म सपोर्ट किया। और स्केरी ये था कि जिस मुद्दे पे हम लोग फिल्म बना रहे हैं उसी टॉपिक पे, इनफैक्ट फिल्म के पहले दिन ही कम्युनियल राइट्स हो गए थे, जो मैंने सुना है, कभी देखा नहीं था कि उस कैसी टेंशन रहती है जब ऐसा कुछ हो जाए और किस तरीके का माहौल रहता है। और जब वो पहली बार देखा जब वो पहली बार देखा मैंने नहीं बल्कि क्रू के सभी लोगों ने, तो इट वाज वेरी स्केरी एज वेल एज आई फील्ट वेरी बैड अबाउट इट कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम भद्रवाह है। वहाँ का एक बहुत ही शरीफ सा लड़का है जो एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी में काम करता है, और वो किस तरह वो एक यूट्यूबर से इंस्पायर होके रिलीजियस बिटरनेस को दूर करने की कोशिश करता है अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, और कैसे वो एक्सट्रीमिस्ट की नज़र में आता है, देन ऑल द हार्डशिप्स ही फेस इन द फिल्म, दैट इज़ व्हाट आई कैन जस्ट से अबाउट माय कैरेक्टर एज ऑफ नाउ। दहशतगर्दी किसी भी मजहब के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। जी बिल्कुल, ये जो डायलॉग है, कोई भी मजहब गलत बातें नहीं सिखाता है, गलत तो इंसान होता है। दहशतगर्दी किसी भी मजहब के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं इस डायलॉग से बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो भी इंसान गलत काम करता है वो किसी रिलीजन का हो ही नहीं सकता, उनका कोई मजहब ही नहीं है। क्योंकि आप किसी भी मजहब को रीड कीजिए, उस मजहब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो हर एक मजहब एक ही चीज़ समझाता है, वो है पीस और एक दूसरे की इज्जत करना। तो जो भी इंसान इन दो चीज़ों को फॉलो नहीं करता है वो किसी भी रिलीजन का नहीं, तो हमें उस इंसान को किसी भी रिलीजन से जोड़ना ही नहीं चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फील। जीतना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, और दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म जूरी मिलना एक ऑनर की बात है, और किसी भी फिल्म को अगर ये अवार्ड मिलेगा तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। बिकॉज जिस तरीके की ऑनेस्टी से हमने फिल्म बनाई है और जिस तरीके की फिल्म का आउटपुट आया है, हमें उम्मीद थी कि फेस्टिवल सर्किट में फिल्म को अप्रिशिएट किया जाएगा, और जब फिल्म को रिस्पांस मिलने लगा इंटरनेशनल सर्किट से भी, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका एज एन एक्टर बढ़ जाता है। तो इट वाज़ अ वेरी फुलफिलिंग फीलिंग, आई विल से बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग लग रहा था। आजकल तो ऑडियंस अच्छी फिल्म्स देख रहे हैं, अच्छे टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो फिल्म्स अच्छी नहीं हैं उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो गई आजकल की ऑडियंस।
बट फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो आप एक बार ट्रेलर देखिए, और अगर आपको ट्रेलर प्रॉमिसिंग लगता है तो आप हमारी फिल्म को भी ज़रूर देखिए और बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी, आपको फिल्म की कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, और अगर आपको फिल्म में कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी लगी तो वो भी बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आगे जो भी करें, मैं अपना ही बोल सकता हूँ एज एन एक्टर, मैं उन चीज़ों को अगर इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट फिल्म में मैं